अब मुझे ये बताओ, अभी हम लोग बबल पॉइंट, वेपर पॉइंट, बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। मुझे ये बताओ कि अगर गैस से लिक्विड में कन्वर्शन होता है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कौन से कंडीशन में होता है बताओ? दिस इज टेकिंग प्लेस एट हाई प्रेशर एंड लो लो टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या हाई ही है? प्रेशर और लो टेम्परेचर मतलब कि आप कॉम्प्रेस करते हो ना, इस केस में गैस से लिक्विड में आना है तो हमें प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, तो आप कॉम्प्रेस करते हो गैस को और वो किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में कन्वर्ट होता है। आर यू गेटिंग दिस? तो अगर गैस से लिक्विड में कन्वर्शन होना है, ध्यान से समझना इस चीज को, अगर गैस से लिक्विड में कन्वर्शन होना है राइट ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्रेस करना पड़ेगा। कॉम्प्रेस करना पड़ेगा का मतलब प्रेशर क्या होना पड़ेगा बोलो? इंक्रीज करना पड़ेगा है ना, और वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज। प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। आर यू गेटिंग दिस? यस यस। सर। तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्शन है, लिक्विड से वेपर में अगर कन्वर्शन है, मतलब कि इसका उल्टा, लिक्विड से अगर हम लोग वेपर में जा रहे हैं, इसका उल्टा है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्रेस की जगह एक्सपैंड करना पड़ेगा ना। यस सर। अगर गैस से लिक्विड में आते वक्त कॉम्प्रेशन हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो लिक्विड से वेपर में जाते वक्त क्या होगा? एक्सपेंशन होगा या कॉम्प्रेशन होगा? एक्सपेंशन एक्सपेंशन। मतलब हम सिंपली ऐसे समझेंगे कि इसका उल्टा ही होगा। एक्सपेंशन अगर होगा तो बताओ व्हाट विल हैपन? प्रेशर प्रेशर विल डिक्रीज डिक्रीज एंड डिक्रीज वॉल्यूम विल इंक्रीज। इंक्रीज प्रेशर घटेगा और वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। तो अगर लिक्विड से वेपर में जाना है तो एक्सपेंशन होगा, प्रेशर घटेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा। आई बात समझ? यस सर। ठीक। यस सर। अब यहाँ पे अच्छे से समझने की कोशिश करो, ये कोई सिलिंड्रिकल कंटेनर है और उसमें ये ऐसा समझो कि एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है और इसमें एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। इनिशियली देखो इसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ है, इसमें पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ है, टोटल लिक्विड भरा हुआ है। आर यू गेटिंग दिस? मतलब कि यहाँ पर गैस जैसी चीज के लिए कोई भी जगह नहीं छोड़ी हुई है। आ रही है मेरी बात समझ? इसमें पूरा का पूरा क्या भरा हुआ है बताओ? लिक्विड भरा हुआ है। आई बात समझ? यस सर। यस। और यहां पर उस लिक्विड का मान लो, ये जो भी लिक्विड है यहाँ पे उसका वेपर प्रेशर सपोज दिया हुआ है 0.4 atm, उसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है 0.4 atm। ठीक है जी। अब यहां पर इस चीज को अच्छे से समझो कि अगर इसमें केवल लिक्विड भरा हुआ है, अगर इसमें केवल और केवल लिक्विड फिल्ड अप है, यहाँ पे वेपर के लिए कहीं भी, यहाँ पे गैस के लिए कहीं भी कोई जगह छोड़ी हुई नहीं है, और हमें लिक्विड को वेपर में चेंज करना है, तो हमें इसको क्या कराना पड़ेगा? एक्सपेंशन कराना पड़ेगा ना। एक्सपेंशन कराने का मतलब कि हमें प्रेशर घटाना पड़ेगा और वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कि हम पिस्टन को किधर लेकर आएंगे? ऊपर की तरफ। अगर ये पिस्टन ऊपर की तरफ आता है तो क्या होगा बताओ? वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम विल इंक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज होगा और डेफिनेटली प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। आर यू गेटिंग दिस? चलो तो पिस्टन को रेज कर दो। पिस्टन को आप यहां पर रेज करो। पिस्टन को रेज करो। अब देखो, अब यहां पर ये सिचुएशन है कि इस लेवल से अब स्लाइट, बहुत ही स्लाइट इंक्रीमेंट यहाँ पे हुआ राइट ना, और यहाँ पे फर्स्ट ड्रॉप ऑफ बबल फॉर्म हुआ। यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ बताओ? इट इज द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ बबल फॉर्म हुआ। हमने बस पिस्टन को बस एकदम इनफाइनाइट से मतलब बहुत थोड़े से अमाउंट से क्या किया? इंक्रीज किया। हमने यहां से पिस्टन को इनफाइनाइटसिमली बस थोड़े से अमाउंट से इंक्रीज किया, तो यहाँ पे इस मतलब हमने पिस्टन को सिर्फ बहुत थोड़े से अमाउंट से, केवल इतने से अमाउंट से इंक्रीज किया कि यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाए? बबल का फर्स्ट ड्रॉप फॉर्म हो जाए। आर यू गेटिंग दिस? यस। तो यहाँ पर हमने कौन सा पॉइंट यस इंक्रीज सर। किया?
यहाँ पे कौन सा पॉइंट अचीव किया बताओ? बबल पॉइंट अचीव किया, यहाँ पे बबल का फर्स्ट ड्रॉप बना ना? यस यस सर। अब जब बबल का फर्स्ट ड्रॉप बन गया तो फिर से लिक्विड फेज, ये अपना दो फेज यहाँ पे आ गया, एक ये कौन सा फेज है लिक्विड फेज, और यहाँ पर ये कौन सा फेज हो गया वेपर फेज, दो फेज यहाँ पे आ गए ना? यस सर। यहाँ पर अब दो फेज आ गए, दो फेज आ गए तो अब यहाँ पर इक्विलिब्रियम जैसी चीज हम लोग सोच सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस? यस यस सर। Yes. अगर तुमसे पूछा जाए कि यहाँ पे प्रेशर कितना है, व्हाट इज द प्रेशर हियर, यहाँ पर अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रेशर हियर, यहाँ पे जो भी गैस फॉर्म हुआ या गैस का बबल फॉर्म हुआ, यहाँ पे प्रेशर कितना है, व्हाट इज द प्रेशर हियर, क्या बोलोगे? अरे भाई, एक बार ये बबल फॉर्म हुआ, इक्विलिब्रियम यहाँ पे शुरू हुआ, तो प्रेशर किसके बराबर होगा? फिर से यहाँ पर प्रेशर किसके बराबर होगा, यहाँ पर वेपर प्रेशर के बराबर ही होगा ना, उसमें कोई चेंज आएगा क्या? व्हाट विल बी द प्रेशर, यहाँ पे वेपर प्रेशर दिया हुआ है ना तुम्हें 0.4 atm, मतलब कि जब भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा तो पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा ना? yes, sir. यहाँ पर ये बबल फॉर्म हुआ तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होने लगेगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्रेशर विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस प्रेशर विल बी इक्वल टू व्हाट, वेपर प्रेशर। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? नो सर। नो सर। यस, तो यहाँ पर ध्यान रखना, प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, राइट? और आप यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, पी इनटू, मान लो कि ये वॉल्यूम, सपोज यहाँ से हम यहाँ पे आ गए, और ये वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम इज सपोज, ये जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम इज सपोज वी वन, तो P into V1 is equal to क्या होगा, N1 into RT होगा, होगा ना? प्रेशर कौन सा यूज करोगे, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर into this small increase in volume, है ना? V1 will be equal to what, N1 RT, N1 क्या होगा, number of gaseous moles here, R और T से आप पहले से वाकिफ हैं, T is the temperature in Kelvin scale और R ideal gas constant, any problem? No, sir. क्या बोला कि यहाँ पर देखो कोई भी वेपोराइजेशन नहीं होगा, कोई भी वेपोराइजेशन नहीं है, क्योंकि ये पिस्टन पूरा का पूरा एकदम लिक्विड के लेवल में है, गैस के लिए कोई जगह है ही नहीं, वेपोराइजेशन हो इसके लिए क्या जरूरी है बोलो, हमने इसको एक्सपैंड किया, पिस्टन को ऊपर की तरफ लेके आए, इनफाइनाइटसिमली ऊपर तक लेके आए, ताकि कम से कम एक बबल फॉर्म हो जाए, जैसे ये फॉर्म होगा फिर से लिक्विड फेज वेपर फेज के बीच में एक इक्विलिब्रियम शुरू होगा, तो यहाँ पर जो भी प्रेशर आप कंसीडर करोगे वो प्रेशर किसके बराबर कंसीडर करोगे, वेपर प्रेशर के बराबर कंसीडर करोगे, है ना? अगर ये वॉल्यूम V है तो क्या बोलेंगे, P into, this volume is suppose V1, तो P into V1 will be equal to N1 into RT, N1 क्या होगा यहाँ पे, N1 क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ गैशियस मोल्स होगा, एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग, ये समझा? Yes, sir. अब यहां से पिस्टन के लेवल को आप थोड़ा और ऊपर करो, यहां से पिस्टन के लेवल को आप थोड़ा और ऊपर करो, पिस्टन के लेवल को अगर आप थोड़ा और ऊपर करते हो तो क्या होगा बताओ, यहां से पिस्टन के लेवल को आप थोड़ा और ऊपर बढ़ाओगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, पिस्टन के लेवल को थोड़ा और ऊपर बढ़ाओगे, क्या किया तुमने, प्रेशर और कम किया, वॉल्यूम बढ़ाया, तो लिक्विड से वेपर में, लिक्विड फेज का वेपर फेज में कन्वर्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा बोलो? अगर हम पिस्टन को और ऊपर बढ़ाएंगे तो लिक्विड फेज से वेपर फेज में जाने के लिए क्या चाहिए, प्रेशर कम और वॉल्यूम ज्यादा, पिस्टन के ऊपर आने से प्रेशर कम हुआ वॉल्यूम बढ़ा, तो लिक्विड फेज का वेपर फेज में और कन्वर्शन होगा ना? Yes, sir. और इवेपोरेशन होगा ना? Are you getting it? Yes, sir. Yes. चलो ये वॉल्यूम सपोज ये V2 वॉल्यूम हो गया. This was V2 वॉल्यूम, है ना? ये V2 वॉल्यूम है. अब यहाँ पर फिर से समझो, अब यहाँ पे पिस्टन का लेवल तुमने बढ़ाया, अब यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से समझो, ये जो लिक्विड का लेवल है, ये अब ये लिक्विड का लेवल है, और इसके ऊपर अब कौन सा फेज है बोलो, ये लिक्विड फेज है और इसके ऊपर अब कौन सा फेज होगा, वेपर फेज, वेपर फेज, और यहां पर भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा ना, यहां पर भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा,
अब यहाँ पर ये जो लिक्विड का वॉल्यूम है, सपोज दिस वॉल्यूम इज, ये जो गैस का वॉल्यूम है यहाँ पे इसके ऊपर, सपोज दिस वॉल्यूम इज V2. अब ये वॉल्यूम V2 हो गया, यहाँ पे प्रेशर कितना कंसिडर करोगे? यहाँ पे गैस का प्रेशर क्या है? इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है, ध्यान रखना है. यहाँ पे गैस का प्रेशर कितना कंसिडर करोगे? वेपर प्रेशर के बराबर ही ना, क्योंकि जब भी इक्विलिब्रियम है तो प्रेशर किसके बराबर? वेपर प्रेशर के बराबर. वेपर प्रेशर के बराबर. तो यहाँ पर ये पी भी कितना होगा भाई? 0.4 एटीएम के बराबर ही होगा. यहाँ पर भी पी किसके बराबर होगा? बोलो. 0.4 एटीएम के बराबर ही होगा. लेकिन पी इंटू वी टू क्या बोलोगे आप? N2 into R2 बोलो, N2 into R into T बोलोगे, यही बोलोगे ना. P into V2 will be equal to N2 into R into T. बताओ N1 और N2 में कौन ज्यादा होगा? Which is greater? N1 बड़ा है या N2 बड़ा है? N1. N1 क्यों बड़ा होगा सर? आप देखो ना यहाँ पर, ये P तो फिक्स है, P फिक्स है, right ना? P क्या है? फिक्स है. तो यहाँ N2 बताओ क्या है? V1 upon RT होगा. और N2 क्या होगा? V1 V2 upon RT होगा. V2 बड़ा है या V1 बड़ा है बताओ? V2. V2 बड़ा है. तो जब V2 बड़ा है तो N2 बड़ा होगा ना? Yes sir. मतलब ये कि जैसे जैसे हम पिस्टन को ऊपर की तरफ लेते जाएंगे, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, या मोल्स ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल यहाँ पर इंक्रीज होता जाएगा ना? Yes, sir. यहाँ पे जैसे जैसे ये पिस्टन ऊपर जाएगा, वेपर का मोल इंक्रीज होता जा रहा है ना. आपने देखा कि N1 कम है और N2 क्या है? ज्यादा है. ये समझा ना कि प्रेशर क्या है यहाँ पे? कॉन्स्टेंट. दैट इज विच प्रेशर? वेपर प्रेशर. यहाँ पे वॉल्यूम कम है और यहाँ पे वॉल्यूम क्या हुआ? ज्यादा हुआ. तो डेफिनेटली N2 क्या होगा? V2 upon RT. और N1 क्या होगा? V1 upon RT. V2 is greater than V1, so definitely N2 is also greater than N1. मतलब कि number of gaseous moles यहाँ पे बढ़ गया ना? तो piston जैसे-जैसे ऊपर जाएगा, what will happen? Number of gaseous mole बढ़ता जाएगा ना? Yes sir. Yes. अब यहाँ पर चलो, अब next situation करते हैं. फिर से piston को थोड़ा और raise करते हैं. Piston को थोड़ा और raise किया. अब यहाँ पर सिर्फ देखो, लिक्विड का केवल एक ड्रॉप बचा हुआ है. लिक्विड का अब यहाँ पर ये लास्ट ड्रॉप बचा हुआ. दिस इज द लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड. दिस इज द लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड. इक्विलिब्रियम यहाँ पर इसके ऊपर कौन सा फेज है? बोलो. इसके ऊपर कौन सा फेज है? वेपर फेज. वेपर फेज है. अब ये पूरा वॉल्यूम V3 हो गया. अब ये पूरा वॉल्यूम V3 हो गया. अभी भी लिक्विड का एक ड्रॉप बचा हुआ है या नहीं बचा हुआ है? यस सर. तो अभी भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा? होगा. यस यस. अभी भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा. तो अभी भी यहाँ पे प्रेशर आप किसके बराबर लोगे? वेपर प्रेशर के बराबर लोगे. आर यू गेटिंग दिस? और यहाँ पर आप क्या बोलोगे? एक मिनट. PV3 इज इक्वल टू क्या बोलोगे आप? N3 into RT बोलोगे. तो आप देखो N3 की वैल्यू N2 से ज्यादा है ना? जैसे जैसे पिस्टन ऊपर दाता जा रहा है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स क्या होते जा रहे हैं? इंक्रीज होते. जैसे पिस्टन ऊपर जा रहा है, नंबर ऑफ गैसियस मोल क्या होता जा रहा है बताओ? इंक्रीज होता जा रहा है, राइट ना. अब इसके बाद का जो सिचुएशन होगा उसमें क्या होगा बताओ? इसके बाद के सिचुएशन में क्या होगा कि ये लास्ट ड्रॉप भी इवेपोरेट हो जाएगा. ये लास्ट ड्रॉप भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो जब लास्ट ड्रॉप भी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो कौन सा पॉइंट होगा बताओ? ड्यू पॉइंट. पॉइंट ना. तो ड्यू पॉइंट के बियॉन्ड कोई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा क्या? नो सर. ये ड्यू पॉइंट हो गया. ये ड्यू पॉइंट हो गया और ये बबल पॉइंट हो गया. तो ड्यू पॉइंट के बियॉन्ड कोई इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा? No, sir. अब ड्यू पॉइंट के बियॉन्ड तुमसे कंटेनर का प्रेशर पूछा जाए तो क्या वो वेपर प्रेशर के इक्वल होगा? No, sir. ड्यू पॉइंट के बियॉन्ड अगर तुमसे यहाँ पे कंटेनर के अंदर का प्रेशर पूछा जाए तो वो वेपर प्रेशर के बराबर नहीं होगा. जब तक कंटेनर में लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों है और इक्विलिब्रियम में है
तो यहाँ पे जो भी प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। तो मतलब बबल पॉइंट से लेकर ड्यू पॉइंट तक, देखो बबल पॉइंट से लेकर ड्यू पॉइंट तक जो भी प्रेशर है वो किसके बराबर है, वेपर प्रेशर के बराबर। और बियॉन्ड ड्यू पॉइंट, बियॉन्ड ड्यू पॉइंट प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर नहीं है। आप अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख के इसका एक्सपेंशन कर रहे हो तो तुम्हें बॉयल्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, P1V1 is equal to P2V2। आई बात समझ? Yes sir। Any वेटिंग रूम में? हाँ बोलो। अच्छा वेटिंग रूम में, यही बोलने के लिए बोल रहे थे। चलो ये लिख लिया, लिख लिया सभी ने? Yes sir। Yes। तो यहाँ पर मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था ये बताओ, यहाँ पर यही समझाने की कोशिश कर रहा था ना कि ये अपना बबल पॉइंट है और ये अपना ड्यू पॉइंट। बबल पॉइंट से लेके ड्यू पॉइंट तक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ जो भी प्रेशर गैस का लोगे वो किसके बराबर लोगे, वो प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर लोगे। आर यू गेटिंग दिस? चाहे वॉल्यूम V1 हो, चाहे वॉल्यूम V2 हो, चाहे वॉल्यूम V3 हो। Any problem in understanding? No sir. No sir. चलो इसको रब करें। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है ना कि किसी कंटेनर में हम लोगों ने लिक्विड को रखा, उससे ये मूवेबल पिस्टन अटैच्ड है, पिस्टन को हम धीरे 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 ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, राइट ना? बताओ वेपर, वेपर के प्रेशर में या गैस के प्रेशर में क्या चेंज आएगा? वो चेंज आएगा जब तक लास्ट ड्रॉप लिक्विड बचा हुआ है, जब तक लिक्विड का आखिरी बूंद भी बचा हुआ है, क्या प्रेशर में कोई चेंज आएगा? नो सर। नो सर। किसके बराबर होगा? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बराबर होगा। और जब वो लिक्विड पूरी तरह से इवेपोरेट हो जाएगा तो प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर नहीं होगा, राइट ना? तो फिर हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, अगर हम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपेंशन करा रहे हैं तो हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा? अगर किसी कंटेनर में केवल गैस प्रेजेंट है, अगर किसी कंटेनर में केवल और केवल गैस प्रेजेंट है, मतलब कि हम कंसिडर करें कि आफ्टर ड्यू पॉइंट आर यू गेटिंग दिस? After dew point, केवल और केवल क्या प्रेजेंट है बोलो? वेपर ही प्रेजेंट है ना, लिक्विड है कहीं पर भी, लिक्विड का आखिरी ड्रॉप भी तो इवेपोरेट हो गया dew point पे। Are you getting this? Yes sir. तो after dew point अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये क्या है, this is, यहाँ पर केवल और केवल वेपर है, केवल और केवल वेपर है और गैस, राइट ना? और उसके लिए P वर्सेस V का ग्राफ प्लॉट करो। बताओ ये ग्राफ कैसा जाएगा? उसके लिए P वर्सेस V का ग्राफ प्लॉट करो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बताओ ये ग्राफ कैसा जाएगा? व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ? स्ट्रेट लाइन। काहे का स्ट्रेट लाइन मैडम? व्हाई इट विल बी स्ट्रेट लाइन? P वर्सेस V का ग्राफ है गैस के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ये अपना x हो गया और ये y हो गया, कांस्टेंट टेम्परेचर है, लिक्विड कहीं पे है? नो सर। केवल और केवल क्या है? गैस। गैस है, राइट ना? कांस्टेंट टेम्परेचर है, कौन सा लॉ ऑबे होगा बताओ? बॉयल्स लॉ ऑबे होगा ना, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, xy इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब कभी भी हमें xy इज इक्वल टू कांस्टेंट मिलता है, ग्राफ का शेप कैसा हो जाता है? रेक्टेंगुलर होता है ना। जब कभी भी x एक्सिस का वेरिएबल और y एक्सिस का वेरिएबल का प्रोडक्ट तुमको कांस्टेंट मिले, ग्राफ का शेप कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पैराबोला। मैथ्स वाले स्टूडेंट तो जानते होंगे, नीट वाले इसको समझ लीजिए, x एक्सिस का वेरिएबल इनटू y एक्सिस का वेरिएबल का प्रोडक्ट जब भी तुम्हें कांस्टेंट मिल जाए, ग्राफ का शेप कैसा हो जाता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
याद करो जब हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट कर रहे थे तो वहां पर भी क्या था, मोलर कंडक्टिविटी इनटू रूट ओवर सी कांस्टेंट आया था ना। यस यस सर, मोलर कंडक्टिविटी इनटू रूट ओवर सी कांस्टेंट आया था, तो मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस रूट ओवर सी का ग्राफ प्लॉट किया था तो क्या आया था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही आया था ना। तो हम लोगों ने बोला था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये y एक्सिस पे ये लाइन इंफिनिटी तक जाती है। डिस्कस किया था? यस। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट करते थे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट कर पाएंगे नहीं, ऐसा ही था ना ग्राफ। वहां पर भी ये चीज डिस्कस किया था कि x y इज इक्वल टू कांस्टेंट ग्राफ का शेप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आई बात समझ? यस सर। लेकिन अगर यही ग्राफ हमें ऐसे दिया जाए कि कंटेनर में लिक्विड प्रेजेंट है और वहां पे लिक्विड और वेपर फेज दोनों प्रेजेंट है, कंटेनर में लिक्विड प्रेजेंट है और वहां पर लिक्विड और वेपर फेज बोलो दोनों प्रेजेंट है, लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों प्रेजेंट है, दिस इज लिक्विड और यहाँ पर क्या हो गया बोलो वेपर, ऐसा लिक्विड फेज और वेपर फेज ऐसे बोलो दोनों प्रेजेंट है, लिक्विड और वेपर फेज दोनों प्रेजेंट है। तो बताओ ग्राफ का नेचर कैसा होगा, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ? यस, तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ग्राफ? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्स। ये वाला पॉइंट क्या होगा? बबल पॉइंट होगा। बबल पॉइंट से लेकर ड्यू पॉइंट तक, बबल पॉइंट से लेकर ड्यू पॉइंट तक, ध्यान से समझो, बबल पॉइंट से लेकर ड्यू पॉइंट तक, बबल पॉइंट से लेकर ड्यू पॉइंट तक प्रेशर में कोई चेंज आएगा क्या? वो तो प्रेशर वेपर प्रेशर के बराबर ही होगा ना। आर यू गेटिंग दिस? बबल पॉइंट से लेकर ड्यू पॉइंट तक प्रेशर में कोई चेंज आएगा क्या? नो सर। नो सर। वो प्रेशर किसके बराबर होगा? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बराबर होगा, है ना? और फिर ड्यू पॉइंट के बाद केवल और केवल क्या मिलेगा? वेपर। वेपर फेज। ड्यू पॉइंट के बाद केवल और केवल क्या मिलेगा? वेपर मिलेगा, राइट? केवल और केवल गैस मिलेगा ना सर। तो जब ड्यू पॉइंट के बाद केवल और केवल गैस मिलेगा तो आप कॉइल्स को लगा दो, कॉइल्स को लगा दो तो वहां से ये ग्राफ कैसा जाएगा, ऐसे चला जाएगा। आ रही है बात समझ? यस सर। तो अगर मैं लिक्विड और वेपर फेज के लिए ये ग्राफ प्लॉट करूं पी वर्सेस वी का, तो बबल पॉइंट से लेकर ड्यू पॉइंट तक जो प्रेशर है वो किसके बराबर है? वेपर प्रेशर के बराबर है, है ना, राइट? और फिर उसके बाद ग्राफ में उसके बाद केवल और केवल क्या प्रेजेंट है? ड्यू पॉइंट के बाद केवल क्या प्रेजेंट है बोलो? ड्यू पॉइंट के बाद भी अगर वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो क्या रहेगा? कोई लिक्विड है वहां पे? नहीं है। केवल और केवल क्या प्रेजेंट है? गैस। वेपर। वेपर प्रेजेंट है, राइट? तो हम लोग वहां पर क्या अप्लाई कर सकते हैं? कॉइल्स को अप्लाई कर सकते हैं ना। Yes, sir. तो फिर वहां पर से ग्राफ का नेचर हमें कैसा मिलेगा? ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। यस सर। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? तो ये वाला ग्राफ किसके लिए था? ये P वर्सेस V का ग्राफ, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसके लिए था? केवल और केवल गैस के लिए था। और ये वाला P वर्सेस V का ग्राफ किसके लिए था? जब लिक्विड और वेपर फेज दोनों प्रेजेंट है तब के लिए था। आ रही है बात समझ? यस सर। यस, चलो शुड आई रब इट? यस सर। अच्छे से आ रहा है समझ? यस सर। यस सर। तो बात ये है भाई कि जब वेपर का पहला बबल बनेगा उस टाइम से लेकर लिक्विड के आखिरी बबल को वेपर में कन्वर्ट होने तक प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, वो प्रेशर केवल और केवल किसके बराबर होगा? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बराबर होगा। वॉल्यूम जितना मर्जी चेंज होता है, आपने पहले भी देखा कि वॉल्यूम के बढ़ने और घटने से वेपर प्रेशर में कोई चेंज आएगा क्या?
नो प्रेशर के बढ़ने और घटने से वेपर प्रेशर में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं ना, यस और नो। लेकिन वेपर प्रेशर एग्जिस्ट करे इसके लिए दो फेज का होना जरूरी है। बबल पॉइंट के पहले हम वेपर प्रेशर की बात नहीं करेंगे और ड्यू पॉइंट के बाद में हम वेपर प्रेशर की बात नहीं करेंगे। आई बात समझ? यस सर। चलो अब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कितना सीखा आपने इसको समझने के लिए एक दो क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ। डिक्टेट नहीं करूंगा, डायग्रामेटिकली ही देता हूँ, ठीक है? चलो अभी ये कोई कंटेनर, इस कंटेनर में खाली वेपर, इस कंटेनर में केवल क्या है बताओ? वेपर, ओनली वेपर। इस कंटेनर में वेपर है और इसका जो प्रेशर है वो 700 टॉर। इसके अंदर जो प्रेशर है वो कितना है बताओ? 700 टॉर। अच्छा, अब इसके अंदर जितना भी गैस है, इसके अंदर जितना भी गैस है इसको ट्रांसफर किया गया, इसको ट्रांसफर किया गया, इसको ट्रांसफर किया गया इस 20 लीटर के कंटेनर में और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है? 5 लीटर है और इसका जो वॉल्यूम है वो 20 लीटर है। आर यू गेटिंग दिस? तो बताओ यहाँ पे गैस का प्रेशर क्या होगा? व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस हियर? यहाँ पे गैस का प्रेशर क्या मिलेगा? जल्दी बताओ, क्वेश्चन समझा? ये कंटेनर है, इसके अंदर गैस का प्रेशर कितना है? 700 टॉर और इसका वॉल्यूम कितना है? 5 लीटर। इस पूरे गैस को अब 20 लीटर के कंटेनर में ट्रांसफर किया गया तो इस कंटेनर के अंदर का प्रेशर बताओ जल्दी क्या करोगे? केवल गैस है ना? टीवी कांस्टेंट है। यस सर। केवल गैस है, टेम्परेचर की हम लोग बात ही नहीं कर रहे, टेम्परेचर को चेंज करने के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे। केवल गैस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, कौन सा लॉ ओबे हो जाएगा? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स यस, बॉयल्स लॉ ओबे होगा तो क्या बोलेंगे बताओ? इट इज P1 is equal to P2 V2, ऐसा ही होगा ना? 175। यस बिल्कुल सर, P1 V1 is equal to P2 V2, तो क्या बोलेंगे? 700 × 5 is equal to P2 × 20, ये मिलेगा हमें। यस Yes, sir. Yes. तो यहाँ पर से P2 कितना हो जाएगा? It will be 700/20 × 5 हो जाएगा। Are you getting this? Clear? तो ये हमें कितना मिल जाएगा? This is 175. मतलब कि यहाँ पर केवल गैस था, only गैस था और हमने इसको यहाँ पे ट्रांसफर किया, हमने सीधा सीधा बॉयल्स को लगा दिया, यहाँ पे प्रेशर कितने के बराबर हो गया? 175 टॉर के बराबर हो गया। एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? नो सर। नो सर। नो। कोई प्रॉब्लम समझने में? नो सर। नहीं। चलो, शुड आई वेट? इसको रब करूं? यस सर। यस सर। दूसरा केस है, देखो इधर, दूसरा केस है, ये कंटेनर है राइट ना, और इसका वॉल्यूम आप सपोज कंसीडर कर लो 10 लीटर। इसका वॉल्यूम कितना है बताओ? वॉल्यूम कितना कंसीडर कर लो? इसका 10 लीटर कंसीडर कर लो और इसके अंदर केवल लिक्विड प्रेजेंट है। इसके अंदर केवल क्या प्रेजेंट है बोलो? गैस नहीं है। इसके अंदर केवल और केवल क्या है? लिक्विड प्रेजेंट है और उसका वेपर प्रेशर है 300 टॉर। उसका वेपर प्रेशर है 300 टॉर और इस लिक्विड को ट्रांसफर किया गया, इस लिक्विड को ट्रांसफर किया गया इस 5 लीटर के कंटेनर में, इस लिक्विड को ट्रांसफर किया गया 5 लीटर के कंटेनर में। आ रही है बात समझ? तो बताओ यहाँ प्रेशर क्या होगा? व्हाट विल बी द प्रेशर हियर? यस, इस कंटेनर में केवल लिक्विड है जिसका वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर और वेपर प्रेशर कितना है बोलो? 300 टॉर। अब इस लिक्विड को ट्रांसफर किया गया 5 लीटर के कंटेनर, इस लिक्विड यहाँ पे केवल लिक्विड है भाई, ओनली लिक्विड। इस लिक्विड को ट्रांसफर किया गया 5 लीटर के कंटेनर में, ठीक है? यस,
कंटेनर का वॉल्यूम यहाँ पे 10 लीटर है, कंटेनर का वॉल्यूम यहाँ पे 5 लीटर है. बोलो क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रेशर हियर? 600 टॉर. कितना? 600. मतलब तुमने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा. सेम होगा सर. यस, वेपर प्रेशर 300 टॉर. यस, वेपर प्रेशर क्या कंटेनर के वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करता है? यस. आपको पहले ही सिखाया था ना कि आपको पॉइंट देके लिखाया था, वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, शेप ऑफ कंटेनर एंड अमाउंट ऑफ लिक्विड. तो यहाँ पे जितना वेपर प्रेशर है यहाँ पर भी उतना ही वेपर प्रेशर होगा ना? यस सर. यस और नो? यस सर. यस. तो यहाँ पे प्रेशर 300 टॉर का है, तो यहाँ पर भी प्रेशर कितना का होगा? 300 टॉर का ही होगा. क्यों चेंज आएगा उसमें? आप ऑलवेज इस चीज को ध्यान रखना कि वेपर प्रेशर केपी की वैल्यू है, लिक्विड से गैस में केपी की वैल्यू है ना ये वेपर प्रेशर. सर बट इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो वैसे ही करे थे ना, वही लॉ लगा के. तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? केवल और केवल गैस था, ओनली गैस था, राइट ना? अभी मैंने क्या बोला कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? लिक्विड. यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे लिक्विड है. यस सर. तो हम लोग वेपर प्रेशर की बात करेंगे, और वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर कंटेनर के वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है. तो यहाँ पे जितना वेपर प्रेशर है यहाँ पर भी उतना ही वेपर प्रेशर होगा. ये बात आई समझ? यस सर. पक्का? पक्का. यस सर. ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट जरा लिख लो, नोट डाल के लिख लो, फिर से लिख लो, कोई बात नहीं, आगे ये गलती ना हो. लिख लो, प्रेशर विल रिमेन सेम एज वेपर प्रेशर, राइट ना? प्रेशर विल रिमेन सेम एज वेपर प्रेशर. इट विल नॉट चेंज विद द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. प्रेशर विल रिमेन सेम एज द वेपर प्रेशर. इट विल नॉट चेंज विद द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर. कंटेनर के वॉल्यूम में चेंज होने से प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा. ये बात आई समझ? इज इट क्लियर? चलो, शुड आई रब इट? यस सर. तो एक सवाल मैंने आपको दिया जिसमें कंटेनर में केवल क्या प्रेजेंट था? गैस प्रेजेंट. अगर कंटेनर में केवल गैस प्रेजेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो आप बॉयल्स लॉ आराम से लगा सकते हो, P1V1 = P2V2. अगर कंटेनर में खाली लिक्विड प्रेजेंट है तो वहां पे बॉयल्स लॉ नहीं लगेगा. बॉयल्स लॉ गैसेस के लिए है, लिक्विड के लिए नहीं है. अगर कंटेनर में लिक्विड प्रेजेंट है वहां पे बॉयल्स लॉ अप्लाई नहीं करोगे, वहां पर वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट आएगा, राइट ना? आप लिक्विड को उठा के किसी दूसरे कंटेनर में डालो, चाहे कुछ भी करो, कंटेनर का वॉल्यूम बढ़े घटे कुछ भी हो, प्रेशर किसके बराबर होगा? वेपर प्रेशर के बराबर होगा. आई बात समझ? इज इट क्लियर? यस सर. चलो तीसरा क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दोनों को कंसिडर करते हैं, हम लोग लिक्विड को भी कंसिडर करते हैं और गैस को भी कंसिडर करते हैं. लिक्विड को भी कंसिडर करते हैं और बोलो गैस को भी कंसिडर करते हैं. जैसे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये देखो, ये वाटर है और यहाँ पर ये कौन सा गैस है? ऊपर N2 गैस है, नाइट्रोजन गैस. इस कंटेनर में नाइट्रोजन गैस है और क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट. और इस कंटेनर के अंदर का टोटल प्रेशर, यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है वो सपोज 780 टॉर के बराबर है. यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर है बताओ? 780 टॉर के बराबर है. इस कंटेनर में दोनों प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है और गैस भी प्रेजेंट है. आर यू गेटिंग दिस? यस सर. Yes. और यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर का टोटल प्रेशर कितना है? 780 टॉर. यहाँ पे जो कंटेनर का वॉल्यूम है, दिस इज 15 लीटर. कंटेनर का वॉल्यूम यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 15 लीटर. और तुमसे बोला जा रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर
वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 50 टॉर के बराबर है। जो भी टेम्परेचर वगैरह का कंडीशन है उस टेम्परेचर पे वाटर का वेपर प्रेशर हमें कितना मिल रहा है बोलो 50 टॉर मिल रहा है। एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन समझ में आया? इस कंटेनर में क्या क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन गैस और वाटर। इस कंटेनर के अंदर का टोटल प्रेशर कितना है 780 टॉर और वाटर का वेपर प्रेशर कितना है 50 टॉर। ठीक है, अब इस पूरे सिस्टम को का मतलब कि ये वाटर और नाइट्रोजन गैस को 5 लीटर के कंटेनर में ट्रांसफर किया गया, राइट ना? 15 लीटर से 5 लीटर के कंटेनर में ट्रांसफर किया गया। ये V is equal to 5 लीटर। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि इस कंटेनर के अंदर प्रेशर क्या होगा? What will be the pressure inside this container? Same as vapor pressure. Yes. सर के बराबर होगा। बराबर होगा। इस कंटेनर के अंदर का प्रेशर क्या होगा? What will be the pressure inside this container? यहाँ पे वाटर भी है और गैस भी है। Yes? Anyone? देखो ये जेल का आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे वाटर भी है और यहाँ पे गैस भी है, दोनों चीजें प्रेजेंट हैं। टोटल प्रेशर हमें 780 टॉर दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 50 टॉर दिया है। इस पूरे सिस्टम को वाटर और नाइट्रोजन गैस को हम लोग को 5 लीटर के कंटेनर में डाल रहे हैं, तो यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर का टोटल प्रेशर क्या होगा? 2190 टॉर। यस 2190 टॉर। 2190 टॉर। 2190 टॉर। लास्ट में एक स्टेप चूक गया लगता है आप। लास्ट में एक स्टेप चूक गया। चलो सर 2340 टॉर। यस 2340 टॉर। 2340 कैलकुलेशन मिस्टेक कर गया। जिसने भी समझा उसने कॉन्सेप्ट को पकड़ा। चलो देखो इधर, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस भी है और वाटर भी है। अब यहाँ पे पी टोटल कितना है 780 टॉर है ना, तो ये 780 टॉर में नाइट्रोजन गैस का भी पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर दोनों है ना। यहाँ पे 780 टॉर में वाटर का वेपर प्रेशर भी है और नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर भी है, दोनों है ना यार। यस सर। यस, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे बताओ? P टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस क्या होगा वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ये P टोटल कितना आ रहा है बताओ 780 आ रहा है और PN2 कितना है? What is PN2? वो हमें पता नहीं है भाई, लेकिन वाटर का वेपर प्रेशर कितना है 50 टॉर है, तो इसका मतलब कि ये PN2 किसके बराबर हो गया 780 माइनस 50 मतलब ये 730 टॉर के बराबर हो गया ना। Are you getting this? Yes sir। तो ये जो नाइट्रोजन गैस है मैं उसके लिए तो बॉयल्स लॉ अप्लाई कर सकता हूं ना। ये जो नाइट्रोजन गैस है मैं उसके लिए तो बॉयल्स लॉ अप्लाई कर सकता हूं ना। यस और नो? यस सर। यस, तो फॉर नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस हम लोग बॉयल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। बॉयल्स लॉ कैन बी अप्लाई हो जाएगा। मतलब क्या? P1V1 इज इक्वल टू P2V2। चलो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस का प्रेशर कितना है 730 टॉर। 730 इनटू यहाँ पे वॉल्यूम कितना है बोलो 15 लीटर इज इक्वल टू क्या करेंगे?
इज इक्वल टू, यहाँ पे प्रेशर कितना है पता नहीं हमें, और वॉल्यूम कितना हो गया 5 लीटर हो गया, मतलब कि यहाँ पर से अगर हम लोग प्रेशर देखें तो ये 5 × 3 = 15 हो जाएगा, और ये कितना होगा 2190 टॉर्क हो जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना मिला, नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना मिला बोलो, 2190 टॉर्क मिला ना, राइट। अच्छा, और यहाँ पे वाटर का प्रेशर कितना होगा, वेपर प्रेशर होगा या नहीं होगा, वाटर की वजह से भी प्रेशर आएगा ना वहां पे, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, उसमें कोई चेंज आएगा क्या, वो तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह सेम रहेगा ना। यस सर। तो क्वेश्चन होगा बताओ, फिर से 50 टॉर होगा। यस सर। यस, तो यहाँ पर P इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 10 P इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2190 प्लस 50, मतलब कि दिस विल बी 2240 टॉर हो जाएगा। आई बात समझ? Yes, sir. ये समझा या नहीं समझा? तो यहाँ पर पहला वाला जो केस था उसमें केवल गैस था, उसमें सीधा सीधा क्या अप्लाई करना था, वॉइल्स को। दूसरा वाला जो केस था उसमें केवल लिक्विड था, राइट। तो यहाँ पे जितना वेपर प्रेशर होगा यहाँ पर भी उतना ही वेपर प्रेशर होगा, यहाँ पे लिक्विड और गैस दोनों है, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर जितना यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा, लेकिन गैस का पार्शियल प्रेशर यहाँ और यहाँ चेंज हो जाएगा वॉल्यूम के हिसाब से, जो आप बॉयल्स लॉ से निकाल लोगे। तो यहाँ पे गैस का पार्शियल प्रेशर तुम्हें पता है, तो यहाँ पे गैस का पार्शियल प्रेशर पता कर लो, और यहाँ पे गैस का जो भी पार्शियल प्रेशर है उसमें उस लिक्विड का वेपर प्रेशर ऐड कर दो, वही इस कंटेनर का टोटल प्रेशर होगा। आई बात समझ? यस। कितने लोगों को समझा ये कॉन्सेप्ट? समझ गया सर। यस सर। समझ आ गया? क्लियर सर। एकदम क्लियर। चलो थैंक यू। आगे बढ़े हम लोग। यस यस सर। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज एक्चुअली हमें किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर तो पढ़ना ही है, लेकिन मेन जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना है ना, यस और नो? दिस इज सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, हमें सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करना है, हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पढ़ना है ना, यस yes. तो चलो अब हम लोग उसकी तरफ चलते हैं, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ना। इसमें हम लोग अलग अलग केसेस डिस्कस करेंगे। पहला केस हम लोग तब डिस्कस करेंगे जब सॉल्यूशन में हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है। आपको वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का मतलब सिखाया था ना पिछली क्लास में। वोलेटाइल का मतलब जो इवेपोरेट हो, जिसका कुछ फाइनाइट पी नॉट वैल्यू, और नॉन वोलेटाइल जो इवेपोरेट ना हो, जिसका पी नॉट वैल्यू क्या हो, जीरो। आर यू गेटिंग दिस? जब वो इवेपोरेट ही नहीं होगा, दो फेज हमें मिलेंगे ही नहीं, लिक्विड फेज और वेपर फेज, इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं होगी, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा बोलो, जीरो। तो जो वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर जीरो नहीं होगा, और जो नॉन वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर हमें क्या मिलेगा, उसके प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर हमें क्या मिलेगा, जीरो। जीरो मिलेगा उसके प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर। उसके प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर का मतलब कि जब हम अकेले उसको कंसीडर करें तो उसका वेपर प्रेशर हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। और जो वोलेटाइल है अकेले हम उसको कंसीडर करें तो उसके वेपर प्रेशर का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, नॉन जीरो मिलेगा। तो हम लोग पहला केस लेते हैं क्या, सॉल्यूशन तो दो चीजों से मिलकर बना है, एक सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट। आर यू गेटिंग दिस?
तो पहला केस हम लोग ये लेते हैं कि जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट कैसा है बताओ? नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो पहला केस हम लोग लेके चलते हैं कि सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग केस वन ले लेते हैं, पहला वाला केस है ना। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। केस वन में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग व्हाट? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, ओके, यस सर। तो इस केस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, जब सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल। सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट कैसा है बताओ? वोलेटाइल। सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट कैसा है? वोलेटाइल। यहाँ पर इन चीजों को मैं अभी ही डिस्टिंग्विश कर देता हूँ। ये सॉल्यूशन है, दिस इज सॉल्यूट पार्ट एंड दिस इज व्हाट? सॉल्वेंट पार्ट। सॉल्यूट पार्ट और सॉल्वेंट पार्ट, यहाँ पर मैं आगे कोई परेशानी ना हो इसलिए मैं चीजों को अभी डिस्टिंग्विश कर दूंगा। चलो सबसे पहले नेचर की बात कर लेते हैं। नेचर, सॉल्यूट कैसा है बोलो? नॉन वोलेटाइल है। सॉल्यूट कैसा है टेल मी? नॉन वोलेटाइल है। और सॉल्वेंट कैसा है? वोलेटाइल, मतलब सॉल्यूट का इवेपोरेशन नहीं होगा, केवल किसका इवेपोरेशन होगा? सॉल्वेंट का इवेपोरेशन नहीं होगा, केवल किसका इवेपोरेशन होगा? सॉल्वेंट का। हमने सॉल्यूशन बनाया है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के, लेकिन सॉल्यूट का कोई इवेपोरेशन नहीं होगा, इवेपोरेशन केवल किसका होगा? सॉल्वेंट का होगा, है ना। उसके बाद आ जाओ, इट इज फिजिकल स्टेट। इट इज फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में ये क्या है? दिस इज सॉलिड और ये कैसा है बोलो? लिक्विड। सॉल्वेंट कैसा है? लिक्विड है। ये सॉलिड है, सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या होता है? जीरो कंसीडर करते हैं, राइट ना। ओके, इसका जो वेपर प्रेशर है, इसका जो वेपर प्रेशर है ये क्या होगा? जीरो। और इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? पी नॉट सॉल्वेंट के बराबर होगा ना। सॉल्वेंट का जो भी वेपर प्रेशर होगा, ये प्योर सॉल्वेंट है तो उसका जो भी वेपर प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा बताओ? पी नॉट सॉल्वेंट ना, यस, ओके। अगर मैं इसका मोल देखूं, इसका मोल देखूं तो ये क्या होगा बताओ? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट होगा। और इसका मोल क्या होगा बताओ? इट इज वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा, होगा ना, यस। इस सॉल्यूट का मोल क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और इसका मोल वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। एक और चीज रह गई यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन। इस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा बोलो? सॉल्यूट का मोल अपॉन सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या मिलेगा जल्दी बोलो? सॉल्वेंट का मोल अपॉन सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल। आर यू गेटिंग दिस? यहां पे लिख देता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या मिलेगा बोलो? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, यही मिलेगा ना। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या मिलेगा बोलो? दिस इज मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन, चलो n टोटल कर देता हूं यार। n टोटल का मतलब समझ जाओगे ना, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। यस, क्या हुआ ये सब, ये सारी चीजें मैं अभी डिस्कस कर दे रहा हूं, आगे हमें इसका जरूरत पड़ेगा इन सब चीजों का। ये समझ गए सभी लोग? एनी प्रॉब्लम? तो हम लोग कैसे केस को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल और सॉल्वेंट
volatile. Solid state में है solvent, liquid state में. इसका vapor pressure zero है और इसके pure form का vapor pressure देखूं तो क्या मिलेगा? P not solvent मिलेगा. इसका mole solute का mole आप समझ गए, solute का mole fraction समझ गए, solvent का mole आप समझ गए और solvent का mole fraction समझ गए. Any problem? Any doubt here? अब यहाँ पर डिस्कशन को आगे बढ़ा. मेरे क्लास के बाद आपकी और भी कोई क्लास है क्या? यस सर. यस सर. और भी क्लास है सर? आपका पहला पीरियड है. ओके ओके. चलो देखो यहाँ पर ये सॉल्वेंट है. यहाँ पर आपने क्या लिया बोलो? प्योर सॉल्वेंट. यहाँ पर क्या लिया आपने? प्योर सॉल्वेंट. यहाँ पे सरफेस पे जो भी पार्टिकल्स हैं वो केवल और केवल किसके हैं? ये सरफेस पे जो भी पार्टिकल्स हैं वो केवल और केवल किसके हैं? बोलो बोलो. यहाँ पे सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट है तो सरफेस पे जो भी पार्टिकल्स होंगे वो केवल और केवल किसके हैं? सॉल्वेंट के ही है ना. वो केवल और केवल किसके हैं? सॉल्वेंट के. ये सरफेस पे जो भी पार्टिकल्स हैं वो केवल और केवल किसके हैं? सॉल्वेंट के. और यहाँ पे जो प्रेशर हमें मिल रहा है ये प्रेशर किसके बराबर होगा? दैट इज पी नॉट सॉल्वेंट ऑनली ना. दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्वेंट. यस और नो? इस कंटेनर में, इस कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट है तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा? इस प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर. और पिछले क्लास में मैंने सिखाया था कि प्योर सॉल्वेंट, प्योर पार्टिकल जब वेपर प्रेशर लिखते हैं तो क्या कर देते हैं? पी नॉट कर देते हैं. और जब पार्शियल प्रेशर लिखेंगे तो पी नॉट नहीं करेंगे, सिर्फ पी रखेंगे. अगर सॉल्वेंट प्योर है, इसमें हमने कुछ मिक्स नहीं किया, दिस इज नॉट सॉल्यूशन, दिस इज जस्ट प्योर सॉल्वेंट. आर यू गेटिंग दिस? तो यहां जो हमें वेपर प्रेशर मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा? पी नॉट सॉल्वेंट के बराबर मिलेगा ना. यस यस. अब देखो इसमें हमने मिला दिया सॉल्यूट, इसमें हमने मिक्स कर दिया. क्या मिक्स कर दिया बोलो? सॉल्यूट मिक्स कर दिया. अब सॉल्यूट मिक्स करने से क्या होगा कि सरफेस पे, सॉल्यूट मिक्स कर देने से क्या होगा? सॉल्यूट मिक्स कर देने से क्या होगा कि पहले यहां पे सरफेस पे केवल और केवल क्या प्रेजेंट था? सॉल्वेंट प्रेजेंट था. केवल और केवल सॉल्वेंट प्रेजेंट था ना. यस सर. अब यहाँ पे सरफेस पे देखो क्या हो जाएगा. अब यहाँ पे सरफेस पे ये दो सॉल्वेंट के बीच में, ये जैसे ही मैं सॉल्यूट डालूंगा क्या करेगा ये सॉल्यूट? सॉल्वेंट के बीच में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा ना. ये सॉल्यूट अगर इसमें डिसॉल्व हो रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन, सॉल्यूट आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूट क्या करेगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा ना. यस सर. यस. जब ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के बीच में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगा तो ये सॉल्वेंट है, ये क्या हो जाएगा? सॉल्यूट. ये क्या हो जाएगा बोलो? सॉल्यूट. और इधर भी क्या हो जाएगा? इट विल बी सॉल्यूट. इट विल बी लाइक दैट ऑनली. मतलब कि सरफेस पे दोनों आ जाएंगे, सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा. आर यू गेटिंग दिस? यस सर. यस सर. लेकिन वेपोराइजेशन केवल और केवल किसका होगा? सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का होगा. सॉल्यूट का वेपोराइजेशन होगा क्या? नो सर. सॉल्यूट का वेपोराइजेशन नहीं होगा. वेपोराइजेशन केवल और केवल किसका क्या होगा बताओ? सॉल्वेंट का होगा. और यहाँ पे क्या होगा बताओ? यहाँ पे सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबका वेपोराइजेशन, और यहाँ पे सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल है सबका वेपोराइजेशन नहीं होगा. केवल और केवल किसका वेपोराइजेशन होगा? सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का वेपोराइजेशन होगा बताओ? सॉल्वेंट का वेपोराइजेशन होगा. आर यू गेटिंग दिस? यस सर. यस सर. यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? नो सर. नो. तो यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा या यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा, तुम ही बताओ. फर्स्ट केस में प्रेशर ज्यादा होगा और यहां पे प्रेशर कम होगा. आर यू गेटिंग दिस? यस सर.
यहाँ पे जो प्रेशर है दिस प्रेशर इज व्हाट पीए यहाँ पे जो प्रेशर है दिस प्रेशर इज व्हाट यहाँ पे जो प्रेशर है दिस प्रेशर इज पी सॉल्वेंट और यहाँ पे जो प्रेशर है उसको क्या बोलेंगे पी नॉट सॉल्वेंट बोलो यहाँ पे जो प्रेशर है राइट ना आप इसको एक काम करो आप इसको बोलो पी सॉल्यूशन यहाँ पे जो प्रेशर है वो सॉल्यूशन की वजह से प्रेशर और यहाँ पे जो प्रेशर है वो केवल और केवल किसकी वजह से है सॉल्वेंट की वजह से प्रेशर तो तुम मुझे बताओ पी सॉल्यूशन बड़ा होगा या पी नॉट सॉल्वेंट बड़ा होगा विच इज ग्रेटर P not solvent is greater than P solution. ये condition कब के लिए है ये situation तब के लिए है जब हमने solvent में कैसा सॉल्यूट ऐड किया नॉन वोलेटाइल तो जब हम किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से क्या होगा ज्यादा होगा ये बात आई समझ यस सर। अब इसी से रिलेटेड अपना क्या है बताओ राउड्स बस राउड्स लॉ का स्टेटमेंट दिखा देता हूँ उसके बाद आपको छोड़ देता हूँ ठीक है आपकी तुरंत कनेक्टिंग क्लास तुरंत है क्या आपको ब्रेक नहीं मिल पाएगा सर 5 o'clock तो 5 से अभी yes, टाइम सर 5 मिनट है अभी तो ब्रेक चाहिए आप लोगों को नो सर लिखवा दो चलो तो राउंड्स लॉ है ना राउंड्स लॉ सिंपली क्या कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इसमें वोलेटाइल कंपोनेंट कौन है सॉल्वेंट है आर यू गेटिंग दिस इसमें इस सॉल्यूशन में वोलेटाइल कंपोनेंट कौन है बोलो इस सॉल्यूशन में वोलेटाइल कंपोनेंट कौन है सॉल्वेंट है या सॉल्यूट है सॉल्वेंट है तो डाउट्स लॉ क्या एक्सप्लेन करता है कि वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन is directly proportional to mole fraction of that component in the solution. Solution के अंदर जो भी volatile component है, उसका vapor pressure किसके बराबर होगा? Is directly proportional to what? Mole fraction of that component in the solution. तो यहाँ पर इस solution में volatile component कौन है? Tell me. तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आर यू गेटिंग दिस मतलब कि अकॉर्डिंग टू राउंड्स लॉ पी सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ठीक है चलो लिख लो राउंड्स लॉ लिखो statement लिखो vapor pressure of any volatile component of the solution is directly proportional to vapor pressure of any volatile component of the solution is directly proportional to mole fraction of the component mole fraction of that component in the solution so vapor pressure of any volatile component in the solution is directly proportional to mole fraction of that component in the solution ab is solution mein solvent volatile tha solute non volatile तो वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर मतलब कि पी सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग नो सर इज इट क्लियर यस सर यस तो इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पोस्टमार्टम करेंगे
आगे का ग्राफ वगैरह सब डिस्कस करेंगे, है ना।